हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन ऑफ एसएपी एचडी कोर्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रश ऑर्डर का कंसेप्ट। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज रश ऑर्डर। तो रश ऑर्डर होता है क्या है, वेयर रेगुलर कस्टमर नीड इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ एनी प्रोडक्ट, इन दैट सिनेरियो वी हैव टू यूज द रश सेल्स प्रोसेस रदर देन द नॉर्मल और रेगुलर सेल्स प्रोसेस एंड डू द बिलिंग एट ए लेटर स्टेज एज पर द शेड्यूलिंग डेट एंड पेमेंट इज डन ऑन द आफ्टर द ड्यू डेट बाय दैट कस्टमर। इट इज द ओनली अलाउड टू क्रिएट इमीडिएटली डिलीवरी, बट बिलिंग क्रिएट विथ रेफरेंस टू द डिलीवरी डॉक्यूमेंट इज लाइक ए रेगुलर सेल्स प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई कस्टमर है जो रेगुलर बेसिस पे आपके साथ डील करता है, बिजनेस करता है, उसको इमीडिएटली किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, सेम डे डिलीवरी। ओके, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रश ऑर्डर का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम रश ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली जैसे हम, जैसे इसमें दिया हुआ है, रश ऑर्डर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होगी बैकग्राउंड में और एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट भी साथ में जनरेट हो जाएगा। अभी लास्ट जब हमने सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की थी लास्ट वीडियो में, उसमें क्या होता, पहले हमने क्या बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने क्या बनाया था, कोटेशन, लाइक सेल्स ऑर्डर से बात करते हैं, सेल्स ऑर्डर हम बनाया, फिर उसके बाद डिलीवरी के लिए हमने BL N0N डिलीवरी डॉक्यूमेंट जनरेट किया, फिर उसको पोस्ट गुड्स PGI किया, देन बिलिंग करी, ये किया था। लेकिन रश ऑर्डर के कंसेप्ट में क्या होगा कि जैसे ही हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, डिलीवरी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बाद में आप उसकी बिलिंग करोगे नॉर्मल वे में जैसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। तो रश ऑर्डर में बस ओनली क्या चेंजिंग है, फॉर इमीडिएटली डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी के लिए यूज हम करते हैं रश ऑर्डर का कंसेप्ट। ओके, सो अब इसे हम एसएपी में देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो आते हैं एसएपी में, एसएपी में हम आ चुके हैं। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्ट कमांड का यूज कर रहा हूँ, VA01। VA01 में आएंगे, VA01 में आ गए। अभी पूछ रहा ऑर्डर टाइप क्या है, तो ऑर्डर टाइप अभी तक हमने जो ऑर्डर टाइप लिया है वो कौन सा यूज कर रहे हैं हम, और। ओके, हम यूज कर रहे हैं और ऑर्डर टाइप। देखिए अलग अलग ऑर्डर टाइप है, रिटर्न के लिए आ रही है और स्टैंडर्ड ऑर्डर है, RO किसके लिए है, रश ऑर्डर के। तो रश ऑर्डर जब भी आप क्रिएट करोगे तो डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा लोगे, RO। RO हो गया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SL01 हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल H1 हो गया, डिवीजन LP हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद सेल्स ऑफिस भी डाल देते हैं, ये हो गया। अब इसको एंटर करते हैं, जैसे हम इसे एंटर करेंगे हम पूछेगा वेंडर, सॉरी कस्टमर, तो हमने कस्टमर डाल के एंटर कर देंगे। देखिए रिक्वेस्ट डिलीवरी डेट क्या आ रही है, सेम डे आ रही है, जो हमारी जिस दिन हम डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं सेम डे आ रही है। ओके, मटेरियल हम ले लेंगे, एंटर करेंगे, बाकी जैसे आप नॉर्मल सेल्स ऑर्डर बनाते हो वैसे ही बनेगा, क्वांटिटी डाल के एंटर कर देंगे। कंडीशन में आएंगे यहाँ पर, कंडीशन में हम डाल देंगे अपना प्राइस, एंटर करेंगे, बैक आएंगे, देखिए प्राइस भी आ गए, बाकी चीजें हो गई हैं। आप इस पर क्लिक करके आइटम डेटा पे आएंगे, यहाँ पर सेल्स हो गया, सेल्स भी, शिपिंग, शिपिंग में यहाँ पर स्टोरेज लोकेशन डाल देंगे और वेट डाल देंगे यहाँ पर। ओके, शेड्यूलिंग लाइन में चेक करेंगे, शेड्यूलिंग लाइन कब आ रही है, 28/22। ओके, तो ये कंफर्म क्वांटिटी हो गई, एक क्वांटिटी हमने, तो अब बैक आते हैं, तो सारी चीजें हमने चेक कर ली है। ओके, अब एरर लॉग चेक कर लेते हैं, इसमें कोई एरर लॉग तो नहीं है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अब लास्ट वीडियो में जो हमने करा था सेल्स में SO, जब हम OR डॉक्यूमेंट जनरेट करते थे नॉर्मल सेल्स ऑर्डर, तो उसमें ओनली क्या जनरेट होता था यहाँ पर, ऑर्डर नंबर, ठीक है, सेल्स ऑर्डर नंबर। लेकिन जब मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा तो यहाँ पर जनरेट होगा एक ऑर्डर नंबर और एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। तो देखिए अब सेव करते हैं इसको, देखिए जैसे ही मैंने ऑर्डर को सेव किया, रश ऑर्डर 11766 एंड हैज बीन सेव, डिलीवरी 800142। ओके, देखिए ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। अभी ये मैं बताऊंगा ये किस तरह से होता है, कि सेल्स ऑर्डर में तो नहीं हुई थी, इसी में क्यों हुई, तो इसके लिए एक बैकएंड में एक सेटिंग होती है, वो भी हम आगे देखेंगे, पहले हम इसको देख लें। तो देखिए डिलीवरी हो गई,
डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। अब बैक आके इस डिलीवरी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, पीजीआई करेंगे, पोस्ट गुड्स इशू। तो इस पर आके इस डिलीवरी डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लेते हैं और बैक आते हैं लॉजिस्टिक चैनल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन, आउटबाउंड डिलीवरी, चेंज, क्योंकि डिलीवरी डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो चुका है। देखिए आ रहा है ऑटोमेटिकली। अभी से हम चेक करते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करके पिकिंग पे आएंगे। पिकिंग हमें बतानी पड़ेगी पूरा पिकिंग। देखिए अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टेटस ए आ रहा है, नॉट येट पिक। अब जैसे ही इस पर हम एक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फुल्ली पिक्ड हो गया है, फुल्ली पिक्ड। तो बाकी सब चीजें ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, पीजीआई, पोस्ट गुड्स इशू। देखिए गुड्स इश्यू हो गया है। ओके अब इसका अगर हम देखना चाहें फ्लो, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डिलीवरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो बिलिंग है, बिलिंग सेम वैसे ही होगी। देखिए बाकी सारा प्रोसेस एज इट इज सेम है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सेल्स ऑर्डर में। बस ओनली चेंज क्या है, ओनली रश ऑर्डर में ऑटोमेटिकली डिलीवरी का कंसेप्ट है। इसे हम सेव करते हैं। ठीक है, सेव हो गया। तो ये था हमारा। अब इसके बैकएंड प्रोसेस देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। सेल्स ओआर डॉक्यूमेंट में नहीं हो रहा, बट आरओ डॉक्यूमेंट में ही हो रहा है। तो एसपीआरओ में जाएंगे, एसपीआरओ में जाते हैं, एसपीआरओ में एसएपी रेफरेंस आईएमजी में जाएंगे, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में आएंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स में आएंगे यहाँ पर, सेल्स, सेल्स में आके सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट में सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम क्लिक करके अब जो डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं वो यही क्रिएट होते हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप जो हम यूज कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ से हम यूज कर रहे हैं, यहाँ बने हुए हैं वो। तो जैसे हमने हम यूज कर रहे थे अभी पहले, नॉर्मल देखते हैं ओ आर डॉक्यूमेंट टाइप। ओके ओ आर डॉक्यूमेंट, अभी हम इसको आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ओ आर डॉक्यूमेंट आगे की वीडियोज में। तो ये ओ आर डॉक्यूमेंट है, ओ आर में देखिए जब भी हम ओ आर डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे जो डिलीवरी टाइप कौन सा जनरेट होगा, एल एफ डिलीवरी। अब यहाँ देखिए इमीडिएट डिलीवरी क्या है, ब्लैंक है। ओके ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर ओ आर, इसमें डिलीवरी क्या है, ब्लैंक है, और शिपिंग कंडीशन भी ब्लैंक है। ओके अब अगर मैं इसी के अगेंस्ट आर ओ रश ऑर्डर, देखिए रश ऑर्डर को ओपन करता हूँ, रश ऑर्डर को देता हूँ, तो इसमें अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी क्या आ रही है, यहाँ पर डिलीवरी है एक्स। एक्स का मतलब क्या है, इमीडिएट डिलीवरी। यहाँ पर क्या लिखा है, इमीडिएट डिलीवरी इफ क्वांटिटी कंफर्म टुडे। ओके क्वांटिटी कंफर्म है तो इमीडिएट डिलीवरी है। और यहाँ पर शिपिंग कंडीशन क्या है, 10 है। अब शिपिंग कंडीशन किस तरह से होती है, बाकी देखिए बाकी सारी चीजें सेम थी, वहां पर ब्लैंक था। ब्लैंक की वजह से क्या हो रहा था, जब हम ऑर्डर को सेव कर रहे थे तो ओनली ऑर्डर ही जनरेट हो रहा था, डिलीवरी जनरेट नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें हमने एक्स किया हुआ है, तो मीन्स जब भी हम रश ऑर्डर को सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी डिलीवरी डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, एंड शिपिंग कंडीशन भी यहाँ पर इमीडिएट है। अब शिपिंग कंडीशन कैसे मेंटेन होगी, तो इसके लिए हम एक सेशन और ओपन करते हैं। शिपिंग कंडीशन आपको यहाँ लो तो XD0, जब हमने कस्टमर मास्टर बनाया था तो वहां पर हमने शिपिंग कंडीशन डाली थी। सेल्स एरिया डेटा में आएंगे, सेल्स एरिया डेटा में यहाँ पर आप देखेंगे शिपिंग में, शिपिंग में आएंगे। देखिए यहाँ पर जब हमने बनाया था तो शिपिंग कंडीशन क्या डली हुई है यहाँ पर, 02 02, और जो इमीडिएट की शिपिंग कंडीशन है वो क्या है, 10। तो वहां पर 10 पड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें एक सेटिंग और करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टी कोड होता है VOBL2, OBL2 टी कोड में आके शिपिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन में आके यहाँ पर आपको अपना प्लांट और अपना लोडिंग ग्रुप, जैसे मैंने डिफाइन किया हुआ है शिपिंग कंडीशन 10 पे, देखिए शिपिंग कंडीशन डिटरमाइन क्या कराई हुई है मैंने यहाँ पर, 10 को मैंने डिटरमाइन करा रखा है। ये लोडिंग ग्रुप हो गया, ये लोडिंग ग्रुप ने कहाँ डाला था, मेटल मास्टर में, लोडिंग ग्रुप मेटल मास्टर में डाला था। ये प्लांट हो गया, और ये हमने अपना शिपिंग, जो हमने शिपिंग बनाया था
वो हमने यहाँ पर डाल दिया सेटिंग पॉइंट। तो ये आपको सेटिंग जरूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज अदरवाइज डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ये था पूरा प्रोसेस हमारा रश ऑर्डर का। तो रश ऑर्डर का कंसेप्ट में आपको समझा होगा, सेम डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं रश ऑर्डर। जब भी हम रश ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिलीवरी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, और बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बिलिंग का वो नॉर्मल ही रहता है। तो आज की वीडियो में सीखा रश ऑर्डर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैश सेल। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।